गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में, और मैं दीपिका सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ। मुझे पर नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, ठीक होंगे। हर बार की तरह मैं आज भी आपके लिए कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ कि मोटे लोग पतले कैसे हों। और मेरे से कल किसी ने कहा कि पतले लोग भी मोटे कैसे हों, तो इस पर भी वीडियो बनाई। मैंने आपको कल भी बोला और आज भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो प्रोसेसेस मोटे लोगों को पतले होने में लगता है, सेम वही प्रोसेसेस पतले लोगों को मोटे होने में लगता है। तो उनकी कोई डाइट अलग नहीं होती, उनका कोई खाना पीना अलग नहीं होता है, और हर चीज़ आपकी पेट से शुरू होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपका पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तो आप ना तो मोटे हो सकते हो ना ही आप पतले हो सकते हो, क्योंकि जब तक पेट आपका गड़बड़ रहेगा, तो जैसे जो लोग पतले होते हैं उनका पेट भी अगर गड़बड़ होता है तो वो मोटे नहीं हो सकते, और जो मोटे लोग हैं अगर उनका पेट भी गड़बड़ रहता है तो वो पतले नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका पेट साफ होना। पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, और पेट से ही सारा फैट और जो कुछ भी है सब पेट से ही शुरू होता है और पेट पर ही ख़त्म होता है, क्योंकि शुरुआत पेट से ही होती है। खाना हम खाते हैं पेट में ही खाते हैं, शुरुआत पेट से ही होती है। तो सब कुछ जो कुछ भी है हमारा, जो भी है सब पेट है, ठीक है ना। तो जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ लेके आई हूँ। और देखो, कहते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसमें ना हींग लगे ना फिट करी और रंग भी चौखा आए। तो आप ऐसा कोई जो बताइए जिसमें ना पैसा लगे ना कुछ लगे और हम पतले हो जाएं और हम मोटे हो जाएं। तो आज मैं आपके लिए सेम वही चीज़ लेके आई हूँ। आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है, कोई भी कुछ नहीं लगना है, बस आपने अपने 10 दिन देने हैं, वो भी मॉर्निंग के सुबह के, खाली पेट, ठीक है ना। 10 दिन आपने वो करना है, और आपने 5 किलो वेट कम करना है, और जिनका कम है वो लोग ज़्यादा कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला हींग लगे ना फिट करी, लेकिन इसमें हींग लगेगी, तो इसलिए ये मैंने बनाया है। ये है हींग का पानी, आपको तो पता ही है हींग सभी लोग खाने में यूज़ करते हैं, और क्यों यूज़ करते हैं आप लोगों को सबको पता है कि हींग जब आप खाते हो तो आपका खाना डाइजेस्ट होता है, आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है हींग के सही खाने से, और गैस नहीं बनती है, बदहजमी नहीं होती है। हींग के बहुत सारे फायदे हैं। हींग, जरा सी हींग आप डाल तो खाने में क्या खुशबू आने लगती है, मस्त। और अच्छी हींग होनी चाहिए, और मिलावट वाली हींग नहीं होनी चाहिए। तो आप जो भी हींग लेते हो उसको अच्छा सा लीजिएगा, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम उसी तरीके से बनाइएगा, और फिर उसको पीजिएगा तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। पहले देखते हैं कैसे बनाया था, फिर उससे आगे बात करते हैं। पानी मैंने कैसे बनाया है और मैं इसको कैसे पीऊंगी। अभी गर्म है ये पानी और इसमें हींग अभी घुल रही है, और इसको इस तरीके से पीना है धीरे धीरे, और इसको आपने 10 दिन तक लगातार पीना है, ठीक है ना। 10 दिन तक आपका ये पूरा कोर्स चलेगा, और आपने इसको 10 दिन तक करना है। सुबह खाली पेट करना है, फ्रेश होके आइए, ब्रश करिए, ब्रश करने के बाद आपने हींग का पानी पीना है, और आधा चम्मच, और हींग भी अच्छी वाली लेनी है, प्योर हींग लेनी है, ये नहीं कि मिलावट वाली हींग ले लीजिए और फिर आप कहो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा नहीं है। जब आप प्योर हींग लेते हो तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। और ये देखो, आपने 1 हफ्ते तक इसको करना है। पीने में थोड़ा सा कड़वा कड़वा है क्योंकि हींग ज़्यादा है, आधा चम्मच हींग है। जब आप खाने में जरा सी हींग डालते तो कितनी खुशबू आने लगती है, तो ये तो आधा चम्मच हींग है, तो लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, मैं तो आप लोगों को देसी चीज़ें बताती रहती हूँ, नेचुरल चीज़ें बताती हूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं घर की चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से,
तो आप उनको करते हो तो आपको घर में बैठे बैठे ही आपका होने लगता है, और आपको घर में बैठे बैठे ही आपका वेट लॉस होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसको मैं फिनिश कर लूँ फिर मैं आगे की बात करती हूँ, जल्दी से कर लूँ। हींगना पेट को ठंडक भी पहुंचाती है और पेट को शांत, पेट की जो अग्नि होती है ना उसको भी शांत करती है। तो इसलिए आप हींग का पानी जरूर पीजिए, क्योंकि हींग के पानी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब बात आती है कि आपने हींग का पानी पिया, फिर बोले कि दीपिका जी आपने बोला था कि 10 दिन आप हींग का पानी पीजिए और आप पतले हो जाओगे। हाँ आप पतले हो जाओगे, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और डाइट कंट्रोल करने के लिए आपको जो आप खाना खाते हो उसको आपको आधा करना पड़ेगा। जब आप आधा खाना कर दोगे और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओगे, सलाद ज़्यादा खाओगे, मैंने आपको कई बार बोला है कि खाना खाने से पहले आप एक प्लेट सलाद खाइए। मैंने आपको कई बार बोला है कि खाना खाने से पहले सलाद खाना है, खाने के साथ आपने सलाद नहीं खाना है। खाना खाने के आप पहले यानी कि थोड़ी देर पहले आप एक प्लेट सलाद ले लीजिए। सलाद पूरा आपका ग्रीन होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। उसमें आप गाजर, चुकंदर, जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं सलाद में, आप जो भी खाना चाहते हो, खीरा है, फ्रूट्स भी डाल सकते हो, और जो भी आपको अच्छा लगे, पालक के पत्ते भी ले सकते हो आप, और सलाद के पत्ते भी ले सकते हो, मूली ले सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप उनको लेकर अपना सलाद बनाकर उसे खा सकते हो, पेट भर सकते हो। और अंगूर है, अंगूर भी सलाद में यूज़ करे जा सकते हैं। अब तो आपको पता है फ्रूट सलाद भी होता है, वेजिटेबल सलाद भी होता है, अगर आप दोनों को मिक्स करके बनाओ तो वो बड़ा अच्छा सा बनता है। मिक्स करके आप बनाओ तो कुछ खट्टा सा, कुछ मीठा सा, बहुत अच्छा सा बनता है। अगर फ्रूट सलाद, फ्रूट वाला और वेजिटेबल्स दोनों मिला के सलाद बनाते हो तो वो सलाद बहुत अच्छा बनता है और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। तो इसलिए आप सलाद 2 प्लेट तो खाना ही चाहिए। एक आपको सुबह लंच से पहले खाना चाहिए और आपको एक डिनर से पहले खाना चाहिए, तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बेनिफिट भी बहुत अच्छा होगा। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इनको फॉलो करिए और अपना वेट कम करिए, और जिनका वेट कम है वो अपना वेट गेन करें। इसी तरीके से ही दोनों लोगों के लिए ट्रिक एक ही होती है। देखो भाई, जिनका वेट ज़्यादा है वो अपना पतला इसी ट्रिक से कर सकते हैं, और जिनका कम वेट है वो भी इसी ट्रिक से अपना वेट ज़्यादा कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप पतले हो तो आप खाना ज़्यादा खा लोगे तो मोटे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से करना चाहिए, तो आपका भी वेट गेन होगा। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोगों से, और मंडे के दिन मैं लाइव आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स पे, तो उसमें आप लोग देखना मत भूलिए और जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो पूछ सकते हैं आप मुझसे। और अभी आजकल मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही डाइट की मैं छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, और वो आप लोग फॉलो करिए और अपना वेट सही करिए। आप हेल्दी बनिए और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्माइल। तो स्माइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप स्माइल करते रहिए, और जब आप खुश रहोगे सभी को खुशियाँ बांटोगे, तो इसलिए आपका खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।